नमस्कार। मॉर्निंग के सबसे पहले बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां आज एमपी बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी होगा। आपको बता दें कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा का आज परिणाम मध्य प्रदेश बोर्ड का जारी होगा। बताया जा रहा है दोपहर 12:30 बजे घोषित करेंगे रिजल्ट। मंत्री इंदर सिंह परमार जो है आज रिजल्ट जारी करेंगे। बड़ी खबर, आज मध्य प्रदेश बोर्ड के 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जो है घोषित किया जाना है। बताया जा रहा है 12:30 के लगभग ये रिजल्ट जो है शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के द्वारा घोषित किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां मध्य प्रदेश बोर्ड के 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आज घोषित किया जाएगा। साढ़े 12 बजे के बाद जो है रिजल्ट विद्यार्थियों को मिल जाएगा और आज विद्यार्थियों की किस्मत का पता चलेगा कि किस प्रकार के अंक उन्होंने प्राप्त किए हैं। खबर आपको बता रहे हैं आज मध्य प्रदेश बोर्ड के रिजल्ट की घोषणा होगी 10वीं और 12वीं। जैसा कि आप सभी को पता है बोर्ड परीक्षा होती है, उसका रिजल्ट आज आएगा। बच्चों को काफी लंबे समय से इंतजार था। इसी के साथ इस खबर पे हमारे सहयोगी वैभव गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। विद्यार्थी जीवन की दो महत्वपूर्ण कक्षाएं 10वीं और 12वीं जिसे कहा जाता है, बोर्ड एग्जाम होती है, तो बताया जा रहा है कि आज मध्य प्रदेश बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है 10वीं 12वीं के छात्रों का। क्या कुछ अपडेट है रिजल्ट को लेकर, छात्र किस प्रकार से अपना रिजल्ट देख पाएंगे? बिल्कुल, करीबन 19 लाख विद्यार्थियों ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं दी थी, जिनका आज परिणाम आने जा रहा है। 12:30 बजे स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार इन परिणामों को जारी करेंगे। ऑनलाइन जो कुछ साइट्स हैं, इसके साथ ही mpnic.com भी है, result.com भी है, वहां पर जाके विद्यार्थी अपना परीक्षा परिणाम देख सकते हैं। अब से कुछ दिन पहले 5वीं और 8वीं परीक्षाओं का भी परिणाम आया था, जहाँ हमने देखा था कि कुछ फीसदी की गिरावट जरूर देखने को मिली थी। इसके साथ ही जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर अच्छा प्रदर्शन किया था। हालांकि स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने चिंता जाहिर करी की थी कि जो प्राइवेट स्कूल है उनके कारण जो स्कूलों का परिणाम था वो बिगड़ा था, तो आज भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 10वीं और 12वीं परीक्षा का परिणाम इंतजार विद्यार्थियों को रहता है, क्योंकि अब विद्यार्थी इन बोर्ड परीक्षाओं के बाद अपना अगला कदम तय करते हैं कि उन्हें आगे क्या करना है, क्योंकि 12वीं की परीक्षाओं के बाद कॉलेजेस की स्टार्ट होती है, वहीं 10वीं परीक्षा के बाद विद्यार्थी चुनते हैं कि किस विषय में उन्हें आगे पढ़ाई करनी है। इसलिए 10वीं की परीक्षा का परिणाम बेहद महत्वपूर्ण होता है कि अगर वो अच्छे नंबर लेके आते तो साइंस फील्ड में भी जा सकते हैं, कॉमर्स में भी जा सकते हैं, आर्ट्स में भी जा सकते हैं, पाए में भी जा सकते हैं। 12वीं की परीक्षा का परिणाम ये तय करता है कि अब आप आगे आपको कितना अच्छा कॉलेज मिलेगा। तो आज का इंतजार सभी विद्यार्थियों को था, कभी 19 लाख विद्यार्थी यहाँ पर बैठे थे, ना केवल विद्यार्थियों को
परीक्षा परिणाम का इंतजार होगा, बल्कि उनके परिजनों को भी काफी इंतजार होगा कि अच्छा परिणाम अगर उनके बच्चे करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका भविष्य सुरक्षित होगा। जी बिल्कुल वैभव, आप बने रहिए हमारे साथ, जल्द ही आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई मध्य प्रदेश से, जो है मध्य प्रदेश बोर्ड का आज रिजल्ट आने वाला है 10वीं 12वीं बोर्ड का। तो जैसे कि हमारे सहयोगी ने बताया कि कुछ वेबसाइट्स हैं, वहां पर जाकर आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं और 19 लाख के समथिंग विद्यार्थियों का आज रिजल्ट आने वाला है। चलिए इसी के साथ अब अगली बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। अगली खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से ही, जहां आज से नौतपे की शुरुआत जो है होने वाली है। धूप के तेवर और ज्यादा तीखे देखने को मिलेंगे। हर साल 25 मई से नौतपा जो है शुरू होता है, साथ ही मौसम विभाग ने बारिश की संभावना भी जताई है। हमारे सहयोगी वैभव हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। वैभव, गर्मी के मौसम के 9 दिन कुछ इस तरह से खास रहते हैं कि 9 दिनों में जो है गर्मी काफी ज्यादा बढ़ जाती है और इसे नौतपा कहते हैं। बताया जा रहा है कि आज से नौतपे की शुरुआत है और खास बात यहाँ देखने को मिल रही है कि बारिश की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। ऐसा पुराने लोग कहते हैं अस्मिता कि ये जो नौतपा होता है, इन नौतपों में जितना अधिक तपती है धरती उतनी अच्छी बारिश होती है। लेकिन इस बार कुछ अलग ही तरह का माहौल नजर आ रहा है। इस बार हमने देखा कि गर्मी भी बहुत ज्यादा नहीं पड़ी, हालांकि कल जरूर गर्मी के तीखे, सूरज के तीखे तेवर देखने को मिले थे, पारा ज्यादा हुआ था। इसके साथ ही हम परसों की बात करें तो मध्य प्रदेश के जो 3 शहर थे वो देश के टॉप 10 शहरों में शुमार थे जहाँ पर तापमान ज्यादा था। तो बेहद महत्वपूर्ण है नौतपे क्या से शुरुआत होने जा रही है। लेकिन जो मौसम वैज्ञानिकों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक नौतपे में बारिश हो सकती है। नौतपे के जो अंतिम 3 से 4 दिन रहेंगे वहां तेज बारिश की संभावना भी जताई जा रही है मध्य प्रदेश के कई इलाकों में। लेकिन आज से नौतपे की शुरुआत होगी, आने वाले 2 से 3 दिन जरूर सूरज के तीखे तेवर हमें देखने को मिलेंगे, इसलिए लोग भी सावधान रहें क्योंकि नौतपे की शुरुआत हो रही है। एकदम से पारा ज्यादा हो जाता है तो ऐसे में अपने स्वास्थ्य के प्रति भी वो चिंतित रहें, खाली पेट घर से बिल्कुल बाहर ना निकले। बेहद जरूरी हो तभी वो 12 से 5 बजे के बीच में बाहर निकले। अगर काम उनका 12 बजे के पहले हो सकता है या शाम हो सकता है तो उस वक्त वो उस काम को पूरा कर रहे हैं। तो नौतपे की शुरुआत होगी, मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि जो अंतिम दिन रहेंगे तब बारिश हो सकती है, लेकिन शुरुआत में जरूर तेज गर्मी पड़ेगी। जी चलिए वैभव, आप बने रहिए हमारे साथ, जल्द ही आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई मध्य प्रदेश से, जो है नौतपे की शुरुआत जो है आज से हो चुकी है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है अपने आप का ख्याल रखना और गर्मी से जितना ज़्यादा हो सके उतना बचना। चलिए इसी के साथ अब अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से ही, जहां महाकौशल को साधने में अब पार्टियां जुट चुकी है। जी हाँ, CM डिंडोरी तो कमलनाथ बालाघाट के दौरे पर है। डिंडोरी जिले के दौरे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहेंगे और साथ ही बालाघाट का दौरा जो है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ करेंगे। गौशाला का भ्रमण करेंगे CM शिवराज, साथ ही विकास कार्यों की सौगात यहां पर मुख्यमंत्री डिंडोरी वासियों को देंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अब महाकौशल को साधने में पार्टियां जुट चुकी है। अलग अलग जिलों के दौरे पर यहां पर देखा जा रहा है दोनों ही पार्टियों के बड़े नेताओं को। बात करें अगर BJP की तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का डिंडौरी दौरा है। चलिए हमारे सहयोगी वैभव हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। वैभव, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे दोनों ही पार्टियां काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है और अब खबर आ रही है कि महाकौशल को साधने में जो है दोनों पार्टियां जुट चुकी है। आज का दिन बेहद अहम है महाकौशल के लिए क्योंकि दो बड़े नेता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ आज महाकौशल में आने वाले हैं और संवाद करेंगे।
वहां के वोटर से संवाद करेंगे, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना जो सम्मेलन है उसमें शिरकत करेंगे, कई विकास कार्यों की सौगात देंगे। जो कार्यक्रम में मंच बनाया गया है, भव्य मंच बनाया गया है, बीच में पार्थिंग वे भी बनाया गया, क्योंकि हम देखें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संवाद करने के तरीके में थोड़ा सा बदलाव किया है। अब वो जनता के बीच में जाते हैं पार्थिंग वे में, पहले क्या स्टेज होता था, स्टेज पर एक मंच लगाया जाता था, पोडियम लगाया जाता था, जहाँ से मुख्यमंत्री संवाद करते थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनता के बीच में जाते हैं, माइक उनके हाथ में होता है, बीच में ही लोगों से पूछते हैं कि उनको योजनाओं का लाभ मिला है नहीं मिला। तो ये जो तरीका बदला है इसके लिए आयोजकों को व्यवस्था में भी थोड़ी सी तब्दीली करनी पड़ी है। वही कमलनाथ क्योंकि आज महाकौशल के दौरे में है, वो भी मंडम सेक्टर्स की बैठक लेंगे, कांग्रेस की मजबूती के लिए कांग्रेस जनों से चर्चा करेंगे, लोगों से संवाद करेंगे। और जिस तरह से हम देख रहे हैं, कुछ दिन पहले बिजली को लेकर कमलनाथ ने घोषणा की, इससे पहले नारी सम्मान योजना की बात की, सिलेंडर की बात की, तो उनके पिटारे में क्या है, किस तरह की घोषणा है वो कर रहे हैं। तो आज भी किसी तरह की घोषणा हमें देखने को कमलनाथ के माध्यम से मिल सकती है। वही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उमरिया में रहेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे, विकास कार्यों की सौगात भी देंगे, लाडली बहना योजना का जो सम्मेलन है उसमें उसे संबोधित करके महिलाओं को बताएंगे कि अभी मामा के पिटारे में महिलाओं को लेकर, युवाओं को लेकर, बुजुर्गों को लेकर क्या क्या है। जी चलिए, तो आज कुल मिलाकर बड़ी जो है योजनाओं की घोषणा आज दोनों नेताओं के द्वारा की जा सकती है, और देखना खास ही होगा कि किस प्रकार की सौगात जो है ये लोग देते हैं। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ, जल्द ही आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि बड़ी खबर आपको दी मध्य प्रदेश से, जहां अब महाकौशल को साधने में दोनों ही पार्टियां जो है जुट चुकी है, और पूरा जोर यहाँ पर दोनों ही पार्टियों द्वारा लगाया जा रहा है। चलिए इसी के साथ अब अगली बड़ी खबर पर रुक कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का आज आखिरी दिन है। 10 मई से इस अभियान की शुरुआत हुई थी और आज आखिरी दिन है, लोगों को कई सेवाओं का लाभ इस अभियान के जरिए मिला है। चलिए हमारे सहयोगी वैभव हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। वैभव, मुख्यमंत्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं अभियान जो है चलाया गया था 10 मई से, मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान, उसका आज अंतिम दिन है। 10 मई से शुरुआत हुई थी मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान 2.0 की, इससे पहले भी अभियान चलाया जा चुका था और इसकी सफलता के बाद ही मुख्यमंत्री ने फैसला लिया कि मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान 2.0 भी चलाया जाएगा। इसके तहत 60 से अधिक सुविधाएं जो कि शासन के द्वारा दी जाती हैं, जैसे जो प्रमाण पत्र बनवाए जाते हैं, नामांतरण जैसे संबंधित कई तरह की सुविधाएं ऑनलाइन दी जाती हैं, क्योंकि लोगों को परेशानी हो रही थी कई बार, चूंकि मुख्यमंत्री सीएम की जो ऑनलाइन हेल्पलाइन है वहां भी शिकायतें की गई थी कि सरकार की जो सुविधाएं होती हैं उन्हें लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा, अधिकारी घुमाते रहते हैं, फाइल पेंडिंग पड़ी जाती, क्योंकि मुख्यमंत्री इस अभियान की खुद रोज मॉनिटरिंग कर रहे थे, रोज एक रिपोर्ट तैयार की जाती थी कि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई आवेदन दिया गया है तो क्यों लेट लतीफी हो रही है। तो बेहद महत्वाकांक्षी अभियान था, इसको लेकर नगरीय स्तर में, वार्ड स्तर पर, पंचायत स्तर पर कैंप भी लगाए गए थे जहाँ खुद अधिकारी मौजूद रहे थे, और सभी कलेक्टर से भी कहा गया था कि आप इस अभियान की ज्यादा से ज्यादा देखरेख करें, लोगों को तरह की कोई परेशानी ना, सुविधाओं के लाभ लेने में, और लोग जिन सुविधाओं का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें तत्काल लाभ ही मिले। तो आज से इस अभियान की समाप्ति होने जा रही है। जी वैभव, जनता के लिए अभियान चलाया गया था और काफी ज्यादा हद तक हम कह सकते हैं कि सक्सेसफुल भी ये रहा। लोगों का क्या रुख है इस अभियान को लेकर, क्या वो सेटिस्फाइड है, क्या उनकी मांगे जो भी उनकी जो चीज थी वो पूरी हुई है इस अभियान के जरिए? 10 तारीख से इस अभियान की शुरुआत हुई थी, बाकायदा कैंप लगाए गए थे नगरी शहर स्तर पर, पंचायत स्तर पर, इस कैंपों में खुद अधिकारी ही मौजूद रहे थे, क्योंकि 60 से अधिक सुविधाएं हालांकि एमपी ऑनलाइन के माध्यम से भी दी जाती है, जो लोक सेवा केंद्र बनाए गए उनके माध्यम से भी दी जाती है, कई बार लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता था जी। तो ऐसे में चूंकि अधिकारी खुद ही कैंपों में मौजूद थे, तो जिन अधिकारियों के चलते ये जो काम है वो पूरे नहीं हो पाते, जब वो सामने ही मौजूद थे तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत जरूर मिली। जो खुद जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस अभियान की मॉनिटरिंग करते हैं, रोज वो रिपोर्ट लेते हैं, तो कहीं ना कहीं अधिकारियों के मन में भी भय रहता है कि कहीं किसी तरह की कार्रवाई ना हो जाए, लोग जरूर सेटिस्फाई हैं, तभी इस अभियान का दूसरे चरण की शुरुआत की गई थी। जी चलिए वैभव, बने रहिए आप हमारे साथ, जल्द ही आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि बड़ी खबर आपको बताई मध्य प्रदेश से, जहां मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का आज आखिरी दिन है, 2.0
ये जो दूसरा अभियान था, पहले भी पूर्व में ऐसा अभियान चल चुका है चूल्हे सिक्के साथ। अब अगली बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। अगली बड़ी खबर आपको दे रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां मालवा निमाड़ के दौरे पर दिग्विजय सिंह रहेंगे। कल बुरहानपुर और खंडवा का दौरा करेंगे, साथ ही मंडल सेक्टर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। कांग्रेस की जमीनी रिपोर्ट को लेकर यहां पर चर्चा की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मालवा और निमाड़ दौरे पर दिग्विजय सिंह रहेंगे। चलिए इसी के साथ हमारे सहयोगी वैभव गुप्ता हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। वैभव, देखा जा रहा है जब से ही चुनाव की जो है चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में दिग्विजय सिंह भी यहाँ पर काफी ज्यादा पार्टिसिपेट करते नजर आ रहे हैं, काफी ज्यादा क्षेत्रों के वो दौरे कर रहे हैं। और अब बताया जा रहा है कि मालवा और निमाड़, जिस पर कांग्रेस की नजर बनी हुई है, उस पर दिग्विजय सिंह का दौरा है। साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं और कमलनाथ दिग्विजय के कंधों पर जिम्मेदारी है कि वो सबसे पहले हारी हुई सीटों पर कांग्रेस का चूंकि फोकस है, जिस तरह से हमने इससे पहले बात की कि महाकौशल के दौरे पर आज कमलनाथ जाने वाले हैं, तो वही मालवा निमाड़ के दौरे पर दिग्विजय सिंह रहेंगे। बुरहानपुर भी वो जाएंगे, पंधाना भी वो जाएंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और कांग्रेस की मजबूती पर चर्चा करेंगे। मंडलम सेक्टर के जो कार्यकर्ता होते हैं उनसे बातचीत करेंगे, कांग्रेस आखिरकार जमीन पर मजबूत क्यों नहीं, कांग्रेस का कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम क्यों नहीं कर रहा, तो कई सारे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जाएगी। तो अब कमलनाथ और दिग्विजय लगातार हारी हुई सीटों पर जा रहे हैं और हर क्षेत्र में हर संभाग में कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिशें कर रहे हैं। जी वैभव, देखा गया है कि पूर्व में भी जो है बीते दिनों ही देखा गया कि निमाड़ से भी कई कद्दावर नेता बीजेपी के कांग्रेस में शामिल हुए हैं, ऐसे में कांग्रेस बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है। कांग्रेस का ये मानना है कि आने वाले समय में भी निमाड़ और मालवा क्षेत्र के नेता जो है उनकी पार्टी में आ सकते हैं। कांग्रेस जरूर कॉन्फिडेंस में है क्योंकि जिस तरह से हमने हाल ही में देखा कि बीजेपी के जो असंतुष्ट नेता हैं वो लगातार प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफे सौंप रहे हैं, उपेक्षा के आरोप लगा रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस को लगता है कि कहीं ना कहीं उनके नंबर पड़ रहे हैं। लेकिन चूंकि चुनावी साल है, नेताओं के आने जाने का सिलसिला लगा रहता है, कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस कहीं आत्मघाती साबित ना हो जाए, कांग्रेस को इसका भी ध्यान रखना होगा। जी चलिए, तो आने वाले समय में ही पता चलेगा कि क्या कुछ चीज़ें यहाँ पर निकल कर सामने आती है और कितनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है यहाँ पर कांग्रेस को कारगर साबित होती है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। चूल्हे सिक्के के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार।